अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, लोगों की मदद भी करता है, लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है, वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई, हमें गलत फहमी है। मुसलमान फैमिली में पैदा होना जन्नत की टिकट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल बासित रिंद, आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम हैविंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे, मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मैं, मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया हो और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है, लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? भाई साहब, अपने नाम क्या है आपका? अब्दुल, अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद, रिंद, रिंद इज अ बलोची कास्ट रिंद है मेरा, रिंद जी, रिंद। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर इस्लाम, अब्दुल बासित, अब्दुल बासित, यस, मशेख अब्दुल बासित, अच्छे कारी थे माशाल्लाह। भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया, बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालदेन मुसलमान थे और है, अल्हम्दुलिल्लाह है, है ना, आपने थे बोला, लेकिन ना रिकॉर्डिंग है, मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, है मुसलमान है, जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया, हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए। अब्दुल बासित ने कहा, जो मेरे वालदेन ने कहा मैंने मान लिया। अब्दुल बासित साहेब, अगर आपके वालदेन आज कहते 2 + 2 = 5, आप मानेंगे? नहीं मानूंगा। तो ये बोलना कि जो वालदेन ने कहा मैं मान गया, सही नहीं है। जब तक आप बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर, 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 + 2 = 5, तो आप हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो आप मानेंगे? वेरी गुड। तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखी जाएंगी, मतलब वो मासूम है। अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना। अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में खलदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वह मासूम है, समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालदेन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालदेन बोलेंगे 2 + 2 = 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं। उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे। आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालदेन से मोहब्बत कर, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिएगा। तो ये बोलना कि क्योंकि वालदेन कुरान के आते, ये काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालदेन काफिर थे, ये काफी नहीं है, कुरान के आते। तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। साफ है, एक बार बालिग हो जाते उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है, उसके बाद उसके वालदेन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते, और वो
बुतपरस्ती करने लगता है, बच्चा है तो माफ हो जाएगा, बालिग हो जाता है उसके पास समझ आ जाती है तो वो जिम्मेदार है। तो अगर एक इंसान बालिग हो गया 25 साल 30 साल की उम्र में शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है। पहला मुझे ये कहने के लिए कह दो, क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए चार चीज की जरूरत है, मैंने कह दिया, ईमान, अमल सालेहात, ईमान राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सबर की तरफ बुलाओ। चार चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आम तौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आम तौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, और समझ रहे, तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सवाल जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं उसके सब गुनाह माफ, आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना, हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे छोटे मोटे, तो ये कहना तो ये अल्लाह सुबहाना व ताला का हिक्मा है, लाइक राफिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है, क्या गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है? बिल्कुल सही, कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे? वो खातून क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, क्या पिडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या वो मुसलमान, अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पिडोफिलिया कहते, जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है या पिडोफेलिया है तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है, वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी हैं ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको कोई भी गुनाह, लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई, ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जुद्दो जो मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूँ, रात रात जागता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे, कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे, कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतने नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें, हम दुआ करते अल्लाह ताला हमें माफ करे। तो अल्लाह सुबहाना व ताला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, बालिग बनने के बाद उसकी गलती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते हैं दो जम्मा जो पांच में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे हैं बुतपरस्ती गलत है? और मेरे हिसाब से दो जम्मा जो पांच और बड़ी गलती है बनिस्बत बुतपरस्ती करना, समझ रहे, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतनी नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते? मैथ्स में गलती करना थोड़ी गुनाह है क्या? अगर कोई मुस्लिम दो जमा जो पांच बोलेंगे जन्म में जाएगा, हाँ बोलेंगे भाई इल्म नहीं है, मैथ्स में कमजोर है, बराबर के नहीं? आप थोड़ी उसको मर्डर थोड़ी कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते ना, तो कौन बड़ा गुनहगार, दो जमा जो पांच कहने वाला क्या जो के जो बुतपरस्ती करता है? अल्लाह ने हमको इतनी नियामत दी, बराबर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते? कितने लोग शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे कपड़े दी, इतने अच्छे गाड़ी दी, खाना दिया, हम कितने बार शुक्र अदा करते? कितने बार हम शुक्र अदा करते पानी पीना,
अगर कुछ दिनों के लिए दो तीन हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते? मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से कितने लोग ने अल्लाह का शुक्र अदा किए कि हमें सांस ऑक्सीजन दे रहे हैं? कितने लोग ने शुक्र अदा किया अल्लाह का? हाथ ऊपर करो, सांस के लिए, सांस के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं। जो अल्लाह ताला हमें एयर दे रहा है ताकि हम जी सके, आधे घंटे के लिए हमें हवा नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, कितने लोग ने शुक्र अदा किया अल्लाह का सांस के लिए? 4-5% है माशाल्लाह। शायद आपने मेरा लेक्चर सुने, आपने लेक्चर सुने थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? कौन लोग ने सुने मेरा लेक्चर आज के पहले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाथ ऊपर करो, माशाल्लाह उससे यार उससे बड़ी तादाद है। मतलब आपने अगर लेक्चर सुने तो लेक्चर में ही बोलता हूं मैं, यहां जरा वक्त की किल्लत थी तो लेक्चर के बाद बोल रहा हूं मैं। जो सांस लेते हैं उसका तो शुक्र अदा करना चाहिए, तो हम कितने नाशुक्र अदा है, हम कितने एहसान फामोश है। अल्लाह ताला फरमाते जब अल्लाह ताला आपके सारे मुश्किल दूर करता अल्लाह को भूल जाते, मुश्किल में आते फिरते अल्लाह को याद करते। तो रिगार्डिंग अ क्वेश्चन, अगर आप गैर मुस्लिम बालिग हो जाता है होने के बाद उसे माफी नहीं, होने के पहले माफी है। सर ये मैं आई एम लकी कि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, मुझे ये सारी बातें पता चली, लेकिन बराबरी में अगर कोई क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो जाता है तो ये उसकी तो गलती नहीं है कि वो उस फैमिली में पैदा हुआ, उसके लिए तो ज्यादा मुश्किल है। आपने मेरा सवाल का जवाब सुने कि नहीं सुने? जी जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल मैंने जवाब दिया कि नहीं इसका? सर लेकिन मतलब पैदा होने पे तो उसका हक नहीं है, वो मुस्लिम में भी पैदा हो सकता है और उसमें भी। आपने मेरा जवाब सुने कि नहीं सुने? सुना बिल्कुल। मैंने आपका सवाल का जवाब दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल। तो दिया तो फिर से क्यों दोहरा रहे? मैंने साफ कह चुका हूं मुसलमान फैमिली में पैदा होना जन्नत की टिकट नहीं है, और गैर मुसलमान फैमिली में पैदा होना जहन्नम की टिकट नहीं है। लेकिन उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा ना जो क्रिश्चियन होगा। आपको लगता है, आपको लगता है, क्योंकि आपको गलत फहमी है कि मैं 100% जन्नत में जाऊंगा। मुझे तो मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं दुनिया भर घूम रहा हूं, क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो जन्नत में जाएगा, लेकिन कलमा पे अमल तो करना चाहिए। हम जो मुसलमान के हालात देख रहे मुझे लगता तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे मेरे जवाब को? जी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। हम 25% है, कितना 25%, 2 बिलियन, 2 बिलियन कितने अरब होते? 2 अरब, 2 अरब, 2 अरब, अरब तो बहुत है यार। तो ये हमारी गलत फहमी है, हम गलत फहमी के शिकार है कि हम जन्नत में जाइए। हम कह रहे थे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह सुबहान व तआला कर फरमाते कुरान मजीद में, कोई भी काफिर अल्लाह के जस्टिस को डिनाई नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरे से ना इंसाफ जिस तरीके से आप बोल रहे हो, वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे और एक मौका दे दे। अल्लाह बोलेंगे खत्म हो गया टाइम, इस दुनिया में बहुत मौके दिए, बराबर ना, बहुत से लेक्चर मिले, हो सकता है जाकिर नायक का लेक्चर सुना। अभी मेरे लेक्चर सुनने के बाद लक्ष्मण, मेरे लेक्चर सुनने के बाद बुध परस्ती कंटिन्यू करेगा, आप उसे दोषी ठहरेंगे कि नहीं? बिल्कुल आपने लॉजिकल बताया कि अगर वो आखिरत में बोलेगा अल्लाह ताला मुझे पता नहीं था बुध परस्ती गलत है, अरे मैं तो स्वामी प्रभुपदा की बात माना, वो डॉक्टर जाकिर बाग ने माना, फंस जाएगा कि नहीं? और आपको शायद पता नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक की बात आज की तारीख में करोड़ों गैर मुस्लिम सुनते, करोड़ों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मेरी बात है, मैंने कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, मैं छोटा सा दाई हूं, अल्लाह से फरमाता हूं, तो हमारा ये फर्ज है जो भी गैर मुस्लिम मिले उनको बोलो। आपने कितने गैर मुस्लिम को दावत दी? आप यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, मैं आपकी जाती जिंदगी में जाना नहीं चाहता हूं। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अच्छे भी होते खराब भी होते, इस्लामिक भी होते गैर इस्लामिक भी होते। मेरा अब यूट्यूबर से ये चैट हुआ था, पॉडकास्ट, पॉडकास्ट बराबर ना। तो ये चीज है कि आप देखना चाहिए, आप यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हूं। आपके कितने मिलियन है फेसबुक पे? टिकटॉक पे 3.7 मिलियन। टिकटॉक तो मुझे बैन कर दिया क्योंकि मैंने मैंने मेरे चाइनीज भाइयों की तरह
तरफ से क्या तुमने बैन नहीं कर दिया? तो एक अपने गवर्नर साहब के बेटे, मेरे बेटे, उनके बेटे ने परसों मेरी वीडियो ली, पॉडकास्ट ली, बोले वो अब्बा 1.5 मिलियन पहुंच गया मॉर्निंग में आउट। बोले अरे काट दिए क्यों? मैं बोला भाई टिकटॉक और मेरी दुश्मनी, मेरी टिकटॉक से दुश्मनी ने टिकटॉक को मेरी से दुश्मनी है, आप समझे ना। आपके 1.5 मिलियन चंद घंटे में इनके बेटे के 1.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स बहुत है, लेकिन वीडियो ही निकाल दिए क्योंकि मैंने मेरे भाइयों जो है ना वीगर मुस्लिम का सपोर्ट किया। आप भी सपोर्ट करेंगे आपको भी बैन कर देंगे, तो संभाल के रहना, आप समझे ना। बिल्कुल। अच्छा मैं इससे टिकटॉक से मैं हुई नहीं, आपके फेसबुक पे कितने इन्फ्लुएंस है, कितने फॉलोअर्स है? फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख होने वाले हैं। 1.5 लाख होने वाले हैं मेरे, अब भी 24 मिलियन हुए 2 दिन में, माशाल्लाह 24 मिलियन। तो मैं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ क्या? नहीं बिल्कुल है। आपके यूट्यूब पे कितने? यूट्यूब पे 265K। 265 माशाल्लाह, मेरे 4 मिलियन अब भी हो गए 2 दिन पहले, माशाल्लाह। मैं भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हूँ ना, तो मेरा पेशा है YouTube influencer, Facebook influencer, social media influencer, takreer influencer, influencing people towards Allah. बराबर की नहीं? अभी आपका YouTube influencer का मौजू क्या है? Influencing towards blogging. लेकिन vlogging के बीच में कोशिश करता हूँ कि जो इल्म मुझे कभी हासिल हो आपकी वीडियो से, डॉक्टर इसरा साहब की वीडियो से, कोशिश करता हूँ कुछ। लेकिन सही तो ब्लॉगिंग ही है ना। बिल्कुल। मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया, तो ये तो है ना, अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे ब्लॉगिंग की तरफ, बेटर है कि अल्लाह की तरफ। भले आपका जो फ्लॉवर आधे भी हो जाएंगे, 10% जो मेरी आपकी दरखास्त है, मेरी आपसे इल्तिजा है, आप इस्लामिक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनो। मे बी आपके फॉलोअर्स 4 मिलियन से 1 मिलियन हो जाएंगे। आपकी जो आपको पैसा मिलता है यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूँ। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई मुझे जन्नत जाने का है, $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जाना, मैं जा रहे भाई, मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। मेरे हिसाब से मैं भी सोशल मीडिया में आई एम ए एक्सपर्ट इन सोशल मीडिया, नो ब्लॉगिंग, ओनली लॉगिंग टुवर्ड्स अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जरूरत ही नहीं, अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है तो क्यों मैं यूट्यूब से लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के एड से अगर आप कमाते हैं, वो एड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको मे बी आप अल्कोहल एड को बैन करेंगे, लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अपने माशरे में पीडोफेलिया फैलेगा इसके वजह से, आप समझ रहे ना। हर इंसान समझता मैं तो इस्लामिक हूं, कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो, मैं कमा सकता हूं, 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना। मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में। मेरे YouTube के जरिए कितने लोग $10,000 $50,000 पर मंथ कमाते, थंबनेल पे क्या डालते, फोटो डाल देते लड़की का, मेरे इसके पर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन, मैं सवाब कमाऊंगा ना, वो क्या कमाएगा? पैसा और नरक। मैं बोला नो कॉपीराइट, पैसा तू कमा भाई, मुझे अजर कमाने दे, मैं अगर हिट करूंगा ना उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, बराबर कि नहीं। मैं बोलता हूं नो कॉपीराइट। जाकिर नाइक ऐश्वर्या राय, ये ऐश्वर्या राय कौन है? गूगल करूंगा, अरे बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, मुझे क्या पता, समझे ना। मेरा वीडियो लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरे वीडियो के ऊपर शैडो बैन पता है आपको ना, शैडो बैन है। मैं बोला भाई काम करो, पैसा कमाओ, मुझे सवाब मिलने दो, मैं रील्स करता हूं मेरा वीडियो, पहले 100,000, 1 मिलियन, अभी 2,000, 3,000,
अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं, मैं तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है। किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह की तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह की तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा, जो रिस्क है आपके इसमें आएगा, कौन निकाल नहीं सकता है, अल्लाह देखता है हराम का रिस्क या हलाल का रिस्क। आप समझते कि आप ऐड बंद कर जाएंगी तो रिस्क बंद हो जाएंगी, ऐड बंद करो रिस्क डबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। आप बोले आप मुझसे इन्फ्लुएंस हुए, बिल्कुल सही, टोटल इन्फ्लुएंस नहीं हुए। अगर टोटल इन्फ्लुएंस होते थे तो इंशाल्लाह आप डॉक्टर इसरा अहमद से इन्फ्लुएंस थे। आप अगर डॉक्टर इसरा अहमद को बोलेंगे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, खुश होंगे वो? बिल्कुल भी नहीं। येट अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको अजर दे, आप अच्छा काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। खाली थोड़ा ट्विस्ट लेके आइए, तो जिसने मेरा पॉडकास्ट किया जो भी किया है, मैं उसको भी हिदायत दी, नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैंने भी नया चैनल इस्तेमाल किया, मुझे अच्छी बात है करो भाई। एक दिन में कितना? 1.2 मिलियन व्यूअर मेरे बेटे ट्रैक कर रहे थे, 2 दिन में 2 मिलियन। अब भी पॉडकास्ट लिया, मलेशिया आए थे मेरे पास लेने के लिए, हाँ लो भाई चलो भाई, पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 मिलियन के ऊपर हो गया एक हफ्ते में, एक दिन में 1.2 मिलियन। मैंने वो वीडियो देखी है, अच्छी है क्या? अच्छा लेवल 1.2 मिलियन एक दिन में, 24 घंटे से कम, अच्छा है कि नहीं? मैंने खुद यही सोचा था कि आपका अकाउंट जो है शैडो बैन है, क्योंकि दूसरों को इतने व्यूज मिल रहे हैं आपको। हाँ नहीं, मेरी चैनल, मेरा चैनल बैन है, मैंने बैन हूँ टिकटॉक पे, मैं बैन हूँ टिकटॉक पे पूरा बैन, क्योंकि मैं, मेरे भाई जो है ना चाइना में, मेरे लिए दिल उनका है। टिकटॉक बैन करेगा क्या फर्क पड़ता है, अल्लाह मुझे बैन नहीं करना चाहिए, बराबर ना? बराबर। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, हमारे देश के मुसलमान देश के जब प्राइम मिनिस्टर से पूछते विगर मुस्लिम के बारे में, हमको पता ही नहीं, अरे कैसा पता नहीं आप अगर मुसलमान देश के प्राइम मिनिस्टर है, आपसे पूछा जाता है विगर मुस्लिम के बारे में, आपको बोलता पता ही नहीं, क्या हो गया हमारे माशरे में? अगर हमारे भाई बिगर मुस्लिम उन पे जुल्म हो रहा है, आप बोलते पता ही नहीं? जब मैं डंकी की चोट पे उनको सपोर्ट किया मलेशिया में, टिकटॉक पे बैन नहीं करते किसको, पता है ना? जाकिर नाइक को, तो मेरा गर्व से अच्छा, माशाल्लाह शैतान ने मुझे बैन किया अल्हम्दुलिल्लाह। वहां के दरवाजे बंद तो यहाँ के दरवाजे खुले, अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं आपको, अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं आपकी, इम्तिहान लेता है भाई, मैं टेस्ट करूंगा आपको क्या करने का। अल्लाह, अल्लाह सेंटर्ड बनो, लोग को अल्लाह के तरफ लेके आओ, अल्लाह इन्फ्लुएंसर बनो, इंशाअल्लाह दुनिया में फायदा होगा कि नहीं होगा, आखिरत में तो आपकी जन्नत कन्फर्म। अब द आंसर टू क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।